दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को महिला आरक्षण विधेयक 2023 को तत्काल लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक वकील द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि प्रार्थनाएं एक जनहित याचिका की प्रकृति में थी, आप व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखा पाए हैं, इसे वापस लें और नई जनहित याचिका दायर करें, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा। जैसे ही याचिका वापस ली गई, अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार एक नई उचित रूप से तैयार जनहित याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्रता दी। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने भी याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक जनहित याचिका की प्रकृति है। हालांकि चूंकि याचिका वापस ले ली गई थी, वकील ने कहा कि जब याचिका नए सिरे से दायर की जाएगी तब वो इसका विरोध करेंगे। याचिका में परिसीमन प्रक्रिया के आसपास अनिश्चितता की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण विधेयक 2023 के कार्यान्वयन के लिए दृढ़ और त्वरित तारीख प्रदान करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी मांग कर रहे थे। भारत के चुनाव आयोग से भी मांग की गई थी कि वे 2024 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण विधेयक की शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक निर्देश जारी करें और उनकी प्रतिक्रियाएं और योजनाएं मांगें। यदि आपको यह खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करिए लाइव लॉग।